हेल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं इलैक्ट्रोपैथी बायो केयर्स जो कि VPO फूलपुर नियर लांबड़ा जिला जलंधर विखे स्थित है। साई टीम ने डॉक्टर जसविंदर सिंह जी नाल गलबात कीती जो कि BEMS MD इलैक्ट्रोपैथी मेडिसिन ने। एक होलिस्टिक वैलनेस सेंटर है जिथे कि कैंसर, किडनी, डायबिटीज़, लीवर, ब्रेन, हर्ट, रेस्पिरेटरी, बोन्स, इनफर्टिलिटी, यूरोलॉजिकल, स्किन, मेल फीमेल कॉन्स्टिपेशन का इलाज किया जाता है। इत्थे विशेष तौर पर रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल और जोड़ों के दर्द लई मसाज थैरेपी की फैसिलिटी भी मौजूद है। ईबाय केयर्स मरीजों लई एक वरदान है। साई टीम ने इत्थे इलाज करवा रहे मरीज नाल भी गलबात की जिन्होंने ईबाय केयर्स की बेहद तारीफ की। साई टीम ने डॉक्टर जसविंदर सिंह जी नाल भी गलबात की जिन्होंने सानू ईबाय केयर्स बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर जसविंदर सिंह जी के नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह जी कोले जिन्होंने अपनी जिंदगी दे विच अज इन्नी कु तरक्की कीती है और इन्ने कु लोगों नू जिंदगी दित्ती है। उहदा हिसाब आपां देख सकते हैं कि पेशेंट्स जिहड़े हैगे आ उह आ रहे ने और डॉक्टर साहब कोले अपॉइंटमेंट तो बिना जिहड़ा पेशेंट आ जांदा उहनू 2-2.5 घंटे की जिहड़ी विज़िट जिहड़ी हैगी आ वेटिंग वाला काम हैगा। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो 'च। हांजी, बहुत बहुत सति श्री अकाल जी सारिआं नू, देखण वालिआं नू भी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत जिन्हां ने इत्थे फिर शिरकत कीती है। तो मैं सारे नूं पहले ये कहना चाहना भी जिदा गुरबाणी का फरमान है भी रोग दारू दोवें बुझै तां चंद बैद सजान, गुरबाणी का फरमान है। ये उस अकाल पुरख वाहिगुरु की रहमत ते बख्शिश है कि जिन्हें सानू इन्नी मत समत बल बुद्ध समर्था सोझी दिती है कि असी प्रोपर तरीके दे नाल ई बायो केयर सेंटर दे विच पेशेंट नूं प्रोपर तरीके दे नाल पहला डायगनोज करीदा। डायगनोज करन दे बाद फिर प्रोपर ट्रीटमेंट जिहड़ी हैगी इलैक्ट्रोपैथी उहनां नूं देईदी आ, जिहदा करके ये परमात्मा ने सानू इत्थे तक पहुँचाया। डॉक्टर साहब, अगर आप गल कर लिए प्री डायबिटिक पेशेंट्स की, जिहड़े पेशेंट्स नूं डायबिटीज़ नहीं हुंदी उह पेशेंट अगर ई बायो केयर ते आ जांदे आ तां उहनां दा तां शर्त ही है कि उहनूं मैडिसिन तों बिना ही जिंदगी उहनां दी गुजरदी आ। जिस तरीके नाल तुसीं काउंसलर भी हो, तुसीं एज़ ए हैल्पर भी हो लोगों दे और उहनां नूं डाइट चार्ट डाइटिशियन दे तौर ते भी काम कर रहे हो, नाल नाल ई बायो केयर दे विच इक लंबी दवाइयां दी लिस्ट जिहड़ी कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट, की कहना चाहोगे? इस तरह हुंदा कि मेरा यूट्यूब, लिंकडइन, ट्विटर ते होर भी बहुत सारियां जगह ते अपना अकाउंट तुसीं खोल के देख सकते हो। उहदे विच मैं इहनूं बहुत चंगी तरह डिफाइन कीता है कि डायबिटीज़ जिहड़ी हैगी उह क्यों हुंदी आ, किस तरह हुंदी आ, उहदे लक्षण की हैगे, प्री डायबिटीज़ की हुंदी आ, ते उहदे तों प्रकोशन वास्ते आपां नूं की करना चाहीदा। ते जिहड़ी इलैक्ट्रोपैथी मैडिसिन आ ई बायो केयर सेंटर दे विच असीं इक स्पैसिफिक मैडिसिन जिहड़ी देईदी आ कि बेशक उह पेशेंट नूं प्री डायबिटीज़ हैगी आ जां बाद चों आण के डायबिटीज़ टाइप 1 जां टाइप 2 हुंदी आ, उहनां सारियां नूं इह जड़ तों खत्म कर दिंदी आ कि जिहड़ी साडी मैडिसिन हुंदी। बट इह हुंदा कि उहनूं लगातार लैणा पैंदा, पेशेंट नूं थोड़ा जिहा पेशेंट दे नाल लैणा पैंदा तां कि लगातार जे लैंदे रहिंदे ते पेशेंट जिहड़े हैगे उह बिल्कुल क्योर कर जाते, ठीक हो जाते। इतों तक कि जोड़े पेशेंट अपनी शूगर कंट्रोल करने वास्ते इंसुलिन लै रहे थे उन्होंने अज वाहगुरु की कृपा के इलैक्ट्रोपैथी मैडिसन के शूगर की जी इंसुलिन से वह छुट चुकी है, तो वह बिल्कुल अपना जोड़ा जीवन है बड़ी सफल ढंग खुशियों के आनंद जी रहे। सर, थायरॉयड की आप गल कर लिए जिद कि लाइफ लोंग मैडिसन खानिया पैदा, थायरॉयड वर्गी नामराद बीमारी के लिए भी तुम इतने सेवावान दे रहे हो, बारे की कहना चाहोगे? ये थायरॉयड एक नामराद बीमारी तुसीं दस ही दिता, पर थायरॉयड दे विच की हुंदा कि लोग कोई एलोपैथी मैडिसन लै रहा, कोई आयुर्वेद, कोई होमोपैथी, कोई होर कोई थरैपी लै रहा हरेक मैडिसन वास्ते, पर जिहड़ी अपनी इलैक्ट्रोपैथी मैडिसन दे विच थायरॉयड ग्लैंड वास्ते, थायरॉयड ग्लैंड जिहड़ा इत्थे हुंदा उह थायरॉयड ग्लैंड नूं हाइपो थायरॉयडिज़म जां हाइपर थायरॉयडिज़म जिहड़ा हुंदा उहनूं कंट्रोल करन वास्ते जिहड़ा हैगा इलैक्ट्रोपैथी मैडिसन बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही आ। बहुत सारे पेशेंट आ जिन्हां दा अजकल जिहड़ा थायरॉयड हैगा वह बिल्कुल कंट्रोल च आ गया, तो अपनी जिहड़ा कुछ पेशेंट सी जिन्हां दा वेट जिहड़ा थायरॉयड करके बहुत ज़्यादा हो गया सी वह भी ठीक है। बहुत सारे पेशेंट वह जिन्हां जिहड़े कि बहुत ज़्यादा स्लिम हो गए सी, सेहत उन्हां दी सही बनती नहीं सी वह हाइपर थायरॉयड करके, तो जदों दी उन्होंने ई बायो केयर सेंटर चों इलैक्ट्रोपैथी मैडिसिन लैनी शुरू की है उन्हां दा बिल्कुल जिहड़ा थायरॉयड आ अज दी डेट च ठीक है, तो वह वाहिगुरू की कृपा नाल अपना जिहड़ा जीवन है बड़े सुखाले ढंग नाल जी रहे। ਤਸਾ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਰਜੀ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਥਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਰਜਿਕ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਟ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
देखो तुहाडा बड़ा वधिया सवाल है कि अज दे समाज दे विच ना लोग जिहड़ा हैगा अलर्जी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अलर्जी वो भावें वीट अलर्जी होवे, वह भावें स्किन की अलर्जी होवे, वह भावें कोई भी रीजन होवे जिहदे नाल बंदे नूं दुख ते तकलीफ चमड़ी दी हुंदी है उहनूं आपां अलर्जी दे विच गिण सकदे। अलर्जी दे विच जे आपां डिजीज़ जिहड़ियां बीमारियां हैगियां जे उहनां दे नाम लैणे शुरू करिए तो वह हो सकदा है पिंपल एक्ने होण, हो सकदा हाइपरजोस्टर जिहनूं जनेऊ कह दिंदे उह हो सकदा किसी दे एग्जीमा होवे, हो सकदा किसी दे ईचिंग आउंदी होवे, हो सकदा होर बहुत सारे उहदे नाम ते अलग अलग उहदी वरायटी हुंदी है। वह ला पा के की हुंदा कि इतों तक कि लोकी जां पेशेंट अलर्जी नाल तकलीफ च हुंदे आ कि तन दे उत्ते बॉडी दे उत्ते उन्हां नूं कपड़ा पाउणा बड़ा मुश्किल हो जाता। साढ़े को बहुत सारे इहो जिहे पेशेंट आते हैं जदों उन्हां नूं आपां बहुत ही प्रोपर तरीके नाल पहलां तां डायगनोस करदे, तुसीं देखदे सी पल्स डायगनोस करते हैं, आइज डायगनोस करते हैं, टंग उपर तो लोअर डायगनोस करते हैं, तो उन्हां दे जिहड़े नेल्स हैगे असीं पेशेंट नूं उत्तों डायगनोस करते हैं भावें कोई भी बीमारी होवे। उस तो प्रोपर डायगनोस करन दे बाद फिर यह लाइदा कि उन्होंने जी सपोज करो जो आप स्किन की एलर्जी की करते हैं, स्किन दी तीन लेयर्स होंदियां अपर मिडल ते जिहड़ी हैगी एक लोअर, तो वो कीड़ी प्रॉब्लम किड़े टिश्यूज़ करके हुई है जां वो किसी सैल की खराबी करके हुई है जां अपर लेयर दे विच हुई है, उनू प्रॉपर डायगनोस करन दे बाद फिर असी इलैक्ट्रोपैथी मैडिसन जिहड़ी हैगी आ वो जड़ियां बूटियां दा कंबीनेशन आयुर्वेद दा विच उस तरीके नाल करके तो उन्होंने दिती जाती है जिहड़े कि बहुत सारे पेशेंट साढ़े अज की डेट में भावें को किसी भी तरह की स्किन की एलर्जी तो असी ईवन के 25-25-30-30 साल तो जिन्हों आपां पंजाबी चंबल कह दें वगदियां सी लत्तां बाहवां तो वह भी वाहिगुरू की कृपा नाल अज बहुत वधिया ढंग नाल ठीक है, तो दूसरे भी सारे एलर्जी वाले ठीक आ, ईवन के वीट एलर्जी वाले पेशेंट जिहड़े हैगे आ अज की डेट वो भी कुछ ना कुछ जिहड़ा हैगा कणक का खाना शुरू कर देंगे तो वाहिगुरू की कृपा नाल सारे ठीक। डसा PCOD और लेडीज़ का जिहड़े लोग लेडीज़ हारमोनल दे नाल हारमोनस दे नाल परेशान आ जिदा अनचाहे वाल मूँह दे उत्ते हो गए होर प्रॉब्लम्स आ गई उन्होंने लिए तुहाडे कोल इलैक्ट्रोपैथी दे विच काफ़ी वधिया इलाज आ और जिदा असी देखा कि पेशेंट्स दे रिव्यूज़ बड़ा पेशेंट्स जिहड़े हैगे आ वो इस गल तो सैटिस्फाई होकर जाते हैं भी असी पहलां तां सुत्ते ही रहिंदे सीगे खा के नशे की एक तरह की ट्रंकाइजरां ते हुण जदों ते असीं डॉक्टर साहब नाल मिले आ सानूं एक नवीं जिंदगी मिली। अज की डेट जिहड़ा हैगा PCOD की जो आप गल करिए तो साढ़े को बहुत सारे फीमेल्स पेशेंट आते हैं PCOD की जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी पॉलीसिस्ट ओवरियन डिजीज़ जां पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रम इहनूं आप कह सकते हैं जो डिफाइन करिए बायोलॉजिकली, तो इहो जिहे पेशेंट साढ़े को आते जिहड़े कि बहुत ज़्यादा तकलीफ च हुंदे आ, पर इह जिहड़ी PCOD की प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है ज़्यादातर पूबर्टी एज विच लगती है, मतलब कि कह के कह जा सकता कि 12-15-16 साल तो लैके 22-24 साल तक ये प्रॉब्लम हुंदी है, तो बहुत सारिया लेडीज़ जां जिहड़ियां बच्चियां साढ़े कोल आउंदियां तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उन्होंने करना पैंदा। PCOD की जिहड़ी प्रॉब्लम आ असल विच ये हुंदी तां क्योंकि जदों फीमेल दे अंदर लेडीज़ दे अंदर इंडोक्राइन जिहड़े सैल्स हुंदे जाने कि मेल सैल जिहड़े हैगे आ वो इनक्रीज़ हो जाते हैं, तो उन्होंने ओवरियन दे विच जिहड़ी हैगी आ छोटे छोटे पॉकट्स लाइक पॉकट्स जिहड़े हैगे एक बांटियां दी तरह छोटे छोटे जिहड़े हैगे आ वो सिस्ट बणनियां शुरू हो जांदियां, तो FS जिहड़ा हुंदा ना फॉलीकाइल हारमोन स्टिमुलेटिंग जिहड़ा उन्होंने अंदर जिहड़ा हैगा सैल वो जिहड़ा हैगा वो डिस्टर्ब हो जांदा है ना, वो जदों डिस्टर्ब हो जाते तो उन्होंने जिहड़ा पीरियड हैगा वो आना वध जांदा जां कई बारी बंद हो जाता तो घट जाता, तो अंदर जिहड़ियां हैगियां बच्चेदानी च रसौलियां हो जांदियां जिहदे नाल कि पेशेंट नूं लेडीज़ नूं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुंदी आ जिहनूं आपां PCOD दी प्रॉब्लम कह दिंदे आ, जां कि महीना जिहड़ा उन्हां नूं आना बंद हो जाता जां फिर बहुत ज़्यादा हुंदा, तो उन्होंने पेट दे विच पेल्विक पार्ट दे विच जिहड़ा हैगा वो बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदी आ, तो उहदा जिहड़ा हैगा आपां भावें गूगल ते सर्च कर लईए किते पासे भी PCOD दा इलाज नहीं है, जे है तो केवल तो केवल इलैक्ट्रोपैथी विच है, तुसी किते भी वधिया ढंग नाल जिहड़ा इलैक्ट्रोपैथी नूं प्रॉपर तरीके नाल जानदे ने उत्थे जाके अपना इलैक्ट्रोपैथी दे नाल PCOD दा इलाज बहुत वधिया तरीके नाल करा सकदे हां, ते साडे कोल नंबर ऑफ पेशेंट आ जिहड़े कि PCOD तों बिल्कुल निजात पा चुके ने तो बिल्कुल ठीक ने। डॉक्टर साहब अगर आप गल कर लीए बाबा सिर की गल कर लीए कब्ज़ की गल कर लीए ऐसी नामराद बीमारियां जिदे विच बंदे नूं लगता कि मैनू फस्टूला हो गया, मतलब काफ़ी ऐसिया बीमारियां ने जिन्हां दे विच बंदा घिरे ही रहिंदा हैगा मुड़ के, मतलब उन्हूं समझ नहीं आता कि मैं की करा, ऑपरेशन करा लैंदा ऑपरेशन तो बाद दोबारा जिहड़ा हैगा रीकरेंस हो जाती है, की कहना चाहोगे कि इलैक्ट्रोपैथी दे विच उन्हां चीज़ों का भी एक इलाज बड़ा कारगर है। ये देखो जी तुसीं बहुत वधिया गल कीती है कि पाइल्स जिहड़ी हैगी आ बवासीर जिहड़ी हैगी आ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ
फैसटूला हो जाता वो वास्ते अलग अलग तरीके जिदा मैं तुम दसा पहला डायगनोज प्रोपर करना, डायगनोज प्रोपर करने के बाद वो जी औषधि है जी वो मैडिसन है वो प्रोपर तरीके दिती जाए तो पेशेंट बिल्कुल 100% क्योर हो जाता। असल में की हों कि जी पाइल्स हैगी बवासीर जी हैगी भगंदर जड़ा है वो हों क्यों जदों किसी भी पेशेंट का पेट जड़ा खराब हों लिवर खराब हों उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जदों खराब हो जाता तो फिर जाके जी रेक्टम कैनल जी हैगी अपने वो जाके इनफेक्शन पैदा होंगी आ तो जो बंदा सवेरे फ्रैश होने जाता तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी है जिन्होंने आप बाबा सीर कह दें तो वो वास्ते इलैक्ट्रोपैथी के बहुत ही वधिया रामबाण औषधियां है जिड़िया कि पेशेंट नूं प्रोपर तरीके 100% पेट तो जी बाबा सीर या भगंदर या जो भी हैगा उन्हें हील करने की समर्था रख दी। डॉक्टर साहब स्पोंडिलाइटिस की आप गल कर लिए, डिस्क की प्रॉब्लम की गल कर लिए, हूँ एक नई तुसी जड़ी थेरेपी मसाज थेरेपी भी नाल इहदे अटैच की है सोने ते सुहागे वाली गल उधरों मेडिसिन ते उधरों थेरेपी की कहना चाहोगे कि उन्हां चीज़ों का तो जिद्दां असीं देखिया कि हुणे भी पेशेंट जिहड़े हैगे आस्ट्रेलिया तो जिहड़े हैगे NRI वीर आए हुए सीगे तुहाडे कोल असीं तुहाडा टाइम विचों लैण दी गल कीती है काफ़ी पेशेंट्स इस नाल ग्रस्त जिहड़े हैगे आ उह भी आ रहे ने जिन्हां नूं बहुत वधिया रिलीफ मिलदा और अगे वह एक जना ठीक हुंदा 10 जना नूं दस्सदा। हाँ जी इस तरह वाहिगुरू की कृपा दे नाल विदेशों चों देशों विदेशों चों पूरे भारत वर्ष चों पेशेंट आ रहे हैं ये गुरु नानक साहब दी वडियाइयां कि उन्हें सानू दित्तियां तो लोग जिहड़े हैगे खुशियां दे नाल अपनी झोलियां भर के लैके जा रहे हैं। से मैं विच ही भावें अपनी इंटरव्यू चलती कि मैं पंजाब प्लस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कई दफ़ा माइंड चों स्किप हो जाता कि इन्होंने भी सानू लोगों के तक जरूरतमंद लोग जिहड़े हैगे उन्हां तक पहुँचाउण दा एक बहुत वधिया वसीला कीता बहुत बहुत धन्यवाद है इन्हां दा भी पंजाब प्लस चैनल का। अच्छा आप गल करदे कि जिहड़े विदेशों चों पेशेंट आउंदे जां इधरों आउंदे कि उह इस करके आ रहे कि तुसीं लोगों तक साडी गल पहुँचाई है। दस एक नई थेरेपी जिहड़ी मसाज थेरेपी आ जी कि सोने के सुहागे वाली गल उन्हां पेशेंट्स लई जिहड़े अधरंग दे नाल जिहड़े पैरालाइज दे नाल जिहड़े लोग स्पोंडिलाइटिस दे नाल जिहड़े डिस्क दीआं प्रॉब्लम्स दे नाल तुहाडे कोल आउंदे आ उन्हां नूं तुसीं एक नई जिंदगी दे रहे हो ये सोने के सुहागे वाली गल समझिए भी नाल तां उहनां कोल थेरेपी ते नाल मैडिसन। हाँ जी बिल्कुल जी इस तरह हैगा कि जिहड़ियां साडी मैडिसनस हैगी इहनूं आपां सैलपैथिक कह दईए तो कोई अथकथ नहीं कोई जी सा मैडिसन इलैक्ट्रोपैथी मैडिसन है जाके अंदर सैल्स से काम करती इतों तक कि सैल तो भी जोड़ा पहला पार्ट हों कादर करीम ने बनाया जो आप भारतीय शास्त्रां फरोलीए तो उतों कहते जी आइटम हैगी आइटम तो बाद चो सैल पैदा होया मतलब कि जोड़ा सागर समुद्र ओम शब्द का उच्चारण हों एक पैदा हों आइटम्स वो आइटम जी हैगी इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रन ते जाके साड़ी जिहड़ी मैडिसन आ काम करदी उस आइटम तो बाद चो एक सैल पैदा हुंदा ते सैल दे कंबीनेशन दे नाल पोलीसक्राइड पोलीसक्राइड तो हौली हौली जिहड़ा मोलीक्यूल बनता मोलीक्यूल तो बाद चो फिर एक ऑर्गन बनता ते ऑर्गन सिस्टम दे नाल जिहड़ा एक हैगा शरीर पैदा हुंदा बनता यह जिहड़ी मैडिसन आ साड़ी वो जिथों ओम्स तो बाद एक आइटम पैदा हुंदी आ वो आइटम दे सराउंडिंग दे विच अंदरले पासे तो फिर सेंटर च जाके काम करती साड़ी मेडिसन इलैक्ट्रोपैथी जिस ढंग दे नाल असी इनू इहदी प्रिपरेशन करते हैं तो ये जाके सैल तो अंदरों तो पेशेंट नू ठीक करती है बोन मैरो दे विचों ठीक करती है। बेशक तुसी दस्या जां देखिया कि साडे को हुण मसाज थेरेपी भी हैगी आ जिहदे नाल अपनी सैल्स के लैवल से ब्लड लैवल से लिम्फ लैवल से तो आप मेडिसन दे नाल पेशेंट नू क्योर करते हैं पर जदों कोई पेशेंट जिहड़ा हैगा उन्होंने बोन के मन के चलो कि जिस तरह सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस होंगी है जां फिर डिस्क स्पोंडिलाइटिस हो गई जां फिर किसी दे कोई सट चोट जां होर कोई घटना घटी तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी के लत बांह कोई नुक्स पै गया पर जिहड़ी हड्डी है उन्हूं सानू मसाज दे नाल थेरेपी दे नाल उन्हूं अपनी सही पोजिशन पर लैके आना पैंदा उन्हूं सही पोजिशन पर लिया के नाल आपां इलैक्ट्रोपैथीसन मैडिसन जिहड़ी हैगी दिंदे आ ते पेशेंट जिहड़ा हैगा 100% क्योर कर जांदा ते बहुत जल्दी अपने जीवन में सुखाले ढंग ना आनंद मानन लग पे। डॉक्टर यू आर एन इंस्टीट्यूशन यू हैव लोंग लोंग डाटा सानू समा देने दे लई और इस तरह नाल साढ़े पंजाब प्लस नाल बनन दे लई और जिदा ऑटोइम्यून दे पेशेंट भी तुहाडे कोल बहुत आ रहे ने और ठीक होकर जा रहे ने तुहाडा धन्नवाद और जांदे जांदे सानू ऑटोइज़म दे पेशेंट्स दे बारे थोड़ा जिहा जिहड़े छोटे छोटे बच्चे अज न्यू नेटल जिहड़े बर्थ तो पहला जन्म लै लेंदे हैगे आ 7वें महीने 8वें महीने और उन्हां नूं प्रॉब्लम्स आउंदियां उहदे बारे भी साडे दर्शकां नूं थोड़ा जिहा चानना पाओ। बहुत वधिया जी असल च मैं जिदा हुण अपने बाहर विदेशां चों पेशेंट आए बैठे आ जिहड़ी ऑटिज़म इक इहो जी नाम मुराद बीमारी है दुनिया के कोने ते तुसीं चले जाओगे इहदा कोई ट्रीटमेंट जां इलाज नहीं है
गूगल पर सर्च कर लोगे तो यदा यही आंसर आना कोई भी कह लोगे कि यदा किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं ऑटिज़म का। ऑटिज़म एक वो भैड़ी बीमारी है जिहदे नाल पेशेंट तो वो ग्रसया जाता तो तकलीफ च हों पर बच्चों के माँ बाप अपने वो ये कह के सानू कोई कर्म माड़ा सी कि सानू एहो जी औलाद परमात्मा ने दी है क्योंकि वह बच्चे ना टाइम ना सौंदे आ, वह बच्चे ना कुछ खाते आ, वह बच्चे ना बोल सकते आ, वह ना बच्चे कोई चीज़ समझ सकते। मान लो कि जिन्हों आपां पंजाबी च सधारण मंदबुद्धि कह दें जे इदा कह लिया जाए तो अकत अथकथनी नहीं क्योंकि एहो जे पेशेंट साढ़े को आते जिहड़े ना खाते आ ना बोलते आ ना उन्होंने यूरिन स्टूल का पता लगता तो 24 घंटे एग्रावेट रेंदे इन्नी जल्दी एनर्जी के नाल ज़्यादा भरे होंगे कि शरारत कुद करते तो उन्होंने संभालना पैंदा उन्होंने माँ बाप को 24 घंटे अठे पैर ना सौ सकते माँ बाप बड़े दुखी होंगे यहोजे बच्चे संभालने के। छोटे बच्चे तो संभालना चलो माँ बाप संभाल लेंगे जो थोड़े व्डे हो जाते हैं तो उन्होंने संभाल वास्ते एक या दो बंदे होर हायर करने पेंदे वड्डी वड्डी तकलीफ होंगी। दुनिया के ऑटिज़म का इलाज नहीं है पर उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा रहमत सदका इलैक्ट्रोपैथी ई बायोकेयर सेंटर के बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट जोड़े है ऑटिज़म के वो क्योर हो चुके आ वो अपनी नॉर्मल लाइफ जींदे तो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते आ जोड़े नहीं सी खाते अजक खाण भी लग पे सॉयलड जोड़े नहीं सी बोलते वो बोलन भी लग पे आ जोड़े नहीं सी सौंदे टाइम ना वो सौन लग पे आ जोड़े कंसनट्रेशन नहीं सी कर पाते अपने पेरेंट्स ना या किसी ना वो कंसनट्रेशन करते हैलो हाई करके तो नॉर्मल जिंदगी जीते तो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ने शुरू हो गए। दूसरा तुहाडा सवाल सी जे प्री मैच्योर बच्चे जोड़े पैदा होंगे आ वो भी उहदा कारण यह हुंदा कि जिहड़ी साढ़े जिदा अजकल नौजवान वीर भैणां जिहड़ियां हैगियां पेशेंट हैगे आ जदों वो कंसीव नहीं कर पाते उन्होंने फिर बहुत सारिया कैमिकल लैने पैंदे आ एलोपैथी मैडिसन लैनी पैंदी आ जां फिर किसी इहो जिहे शख्स कोलों वो कच्चियां भस्मां लै लैंदे जिहदे नाल के की हुंदा कि साढ़े जिहड़े एक हैरिडिटी प्रॉब्लम जिहड़ी उह शुरू हो जाती है। ऑटिज़म भी इसे करके हुंदा कि हैरिडिटी जिहड़ी प्रॉब्लम आ उहदे नाल हो जाता जिहड़ा आपां कैमिकल प्रैगनेंसी के ड्यूरिंग या उस तो पहला लिया हुंदा उहदे नाल साडे ब्रेन दे विच जिहड़ा हैगा आने वाली औलादा के जो ब्रेन है ना वो पूरे डिवेलप नहीं हो पाते जिहड़ा आपां अलमूनियम फॉयल या अलमूनियम के बर्तन वरतते हैं या कैमिकल वरतते हैं या फास्ट फूड जंक फूड लेने उन्हां दा सैड इफेक्ट होने करके साड़ियाँ जी जीन्स हैगियां वो चेंज होनिया शुरू हो गई तो आने वाले समय से साड़ियाँ जी औलादा आने वाली पीढ़ियां दी उन्होंने ऑटिज़म डमेशिया टेंशन डिप्रेशन यहोजियां दिमागी जड़ियाँ प्रॉब्लम्स लगनिया शुरू हो गई उन्होंने सारिया का इलाज जड़ा है वो इलैक्ट्रोपैथी बहुत ही संभव हो रहा तो बहुत वधिया तरीके हों जा रहा। काफ़ी पेशेंट है साढ़े को जो ऑटिज़म के भी ठीक आ काफ़ी पेशेंट साढ़े को भी जो प्री मैच्योर बेबीज़ होए सी तो उन्होंने जो अज आप इलैक्ट्रोपैथी मेडिसन दी है तो वो बिल्कुल अज की जिंदगी बड़े वधिया तो हैल्दी जीवन अपना जी रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी है पंजाब प्लस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सानू अज फिर शिखरत की तो दुनिया के कोने कोने तक सानू लैके जाने का एक उपराला किया। मैं तह दिलों रिची गर्ग जी का पंजाब प्लस टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। इस तरह तुम समाज की सेवा करते रहोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वेलकम। हेलो सत श्री अकाल जी मैं मेरा नाम ज्योति है मेरे को बहुत तकलीफ सी दर्दा बहुत सी बहुत ज़्यादा तकलीफा सी जो भी मैं जसविंदर सिंह डॉक्टर जी को आई हाँ उदों का मैनू काफ़ी फर्क पै गया वा डॉक्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। ठीक है कोई सैटर नहीं मेरी जिंदगी नवा बर्ताव आ गया वा मैं बिल्कुल काम कर सकती पहला काम नहीं सी कर सकती आटा भी नहीं गूंज सकती हूँ बिल्कुल सब काम कर लेनी मैं पड़ोसी आए सी वो भी दवाई लग गए उन्होंने दवाई बिल्कुल सैट बैठी है तुम भी आओ दवाई लो अपने डॉक्टर चैक कराओ डॉक्टर जी बहुत अच्छे हैं थैंक यू डॉक्टर। हेलो सत श्री अकाल जी सारे ई बायोकेयर सारे का बहुत बहुत स्वागत मैं अपना डॉक्टर जसविंदर सिंह तो अज जे साडे पंजाब प्लस चैनल जिहड़ा हैगा साडे कोल पहुंचिया बहुत बहुत धन्यवाद है साडा सारा स्टाफ है ते साडा क्लीनिक इसे तरह ही धन्यवाद ताडा सारयां दा ध्यान रखना ओके बाय।